विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक पार्टियां अब तेज तैयारियों में लगी हुई है। बता दें कि वहीं गैर सामाजिक संगठन भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चे खोल रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुदूर वनांचल से दर्जनों गांवों के आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर आदिवासी सम्मान स्वाभिमान पदयात्रा निकाली, जहां एकता परिषद के संयोजक ने कहा कि वनवासियों के अधिकार जल जंगल और जमीन आदिवासियों का अधिकार है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस रैली के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना है। अक्टूबर के दिन हम लोगों ने आदिवासी सम्मान स्वाभिमान पदयात्रा के तौर पर दो दिन के पदयात्रा करते हुए आज लोरमी पहुंचे हैं। और इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य की जो आदिवासी भाई का आदिवासियों में उनकी जो जल जंगल जमीन जहाँ पे वो बैठे हुए हैं कई सालों से, इस पर उनके अधिकार नहीं मिल रहा और मूलभूत सुविधाओं से अछूत रहे हुए, उनको दूर दूर तक वास्ता नहीं है। सरकार ने न पीने की पानी दे रहे हैं, न जमीन की उनके पट्टा दे रहे हैं, न जमीन पर काम करने के लिए उनका अनुमति है। वन विभाग के आतंक के चलते वहाँ के आदिवासियों के जीवन को कहीं खुला है। कन्या को दूर करना है और यहाँ के जीवन को हमारे साथ इतना न्याय हो रहा है, इतना पैदल यात्रा निकाले, रिजर्व खेती बाड़ी लक्ष्मण